गाइज अभी मैं मंदिर में आया था तो मेरा सडनली मन हुआ कि एक वीडियो बना देता हूँ। हेलो गाइज, तो मैं अमित थपलियाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में, और मैं आप को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइज, तो आज नवरात्रा है, नवरात्रि की शुरुआत है, तो आज मैं गया हूँ अपने कुल देवी के मंदिर में। और यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी नवरात्रि हैं और कुल देवी के मंदिर से एक वीडियो आनी चाहिए। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, ये हमारी कुल देवी है माँ ज्वालामुखी, और आज मैं आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो थोड़ा सफाई वगैरह जो भी था वो किया मैंने। उसके अलावा यहाँ पे आके मैंने देखा थोड़ा गंदा हो रखा था, तो सफाई वगैरह सारी की। और अभी यहाँ पे जो ये चटाई वगैरह है ये सारी बाहर है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ बर्तन हैं देवी माँ के आरती वगैरह करने के बर्तन, वो थोड़े गंदे हो रखे हैं, तो आज मैं उनकी सफाई करूँगा इसके बाद। और आप मेरे पीछे का ये व्यू देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और उसके अलावा जैसे आपको पहले भी बताया गया, ये सामने बासुकेदार पहाड़ है, और ये नीचे जो हमारे यहाँ पे नीचे ये सारे चाय पत्ती के बागान हैं। गाइज, अभी मैं मंदिर में आया था तो मेरा सडनली मन हुआ कि एक वीडियो बना देता हूँ। तो अभी जो आप मेरे पीछे का जो ये आसमान देख रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, और जो मौसम है वो बहुत ही क्लियर है। उसके अलावा जो यहाँ पे अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली है, तो इसके बाद यहाँ पे बर्फ़ गिर जाएगी, और फिर जो यहाँ के जो सीन्स हो जाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। तो गाइस, अभी चलिए मैं थोड़ा सफाई कर लेता हूँ पूरी, और उसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है कि जो हमारी कुल देवी होती है यहाँ पे, हर नवरात्रे में गांव के जो लोग होते हैं, कुछ परिवार होते हैं, वो यहाँ पे माता के मंदिर में पाठ रखते हैं 9 दिन का, और 9 दिन की पूजा पाठ करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने देखा अभी लोग आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सफाई करनी होगी, उसके अलावा जो भी पाठ के लिए जो भी करना होगा, जो भी सामग्री इकट्ठा करनी होगी वो सारी मैं करके रख दूँगा। उसके अलावा आएंगे और यहाँ पे पूजा वगैरह करेंगे, फिर हरियाली डाल देंगे यहाँ पे, और हरियाली डालने के बाद फिर यहाँ पे 9 दिन जो होंगे लगातार पूजा पाठ होगी। तो अभी जो मैंने सोचा कि चलो हमारी जो कुल देवी का मंदिर है वहाँ पे चलता हूँ, और सडनली मुझे ख्याल आया कि 2 दिन से जो है मेरी वीडियो आई भी नहीं है, और थोड़ा जो इस बीच में मैं थोड़ा काम में बिजी था तो उस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो गाइज, अभी सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना ही लेता हूँ, तो अभी वो वीडियो बनी है, तो देखता हूँ कि अभी लोग आएंगे, उससे पहले मुझे यहाँ पे सफाई करनी होगी, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे जो पूरी सामग्री इत्यादि होगी वो सारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। ये कपड़ा को ले तो था इच्छा चले आई आइए ते पापा ते पापा का चिन्ह। एक्चुअली हम लोग बैठे हैं अभी मंदिर पे, और मेरे साथ है मेरी मम्मी है, और ये यहाँ पे भाभी जी और सिस्टर है। तो अभी हमने यहाँ पे जो पूरी तैयारी कर ली पूजा की, और मंदिर के अंदर, और वैसे यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद हम जो पूजा करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आरती वगैरह जो भी होगा वो करेंगे। तो अभी ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम लगे हैं थोड़ा तैयारी करने पे। और मैंने यहाँ पे जो हम यहाँ पे हरियाली जो डालेंगे उसके लिए चीज बना ली है, ये रेत की बनती है, इसमें मतलब काफी जल्दी जो हरियाली होती है वो बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको रेत का बनाते हैं।
तो अभी ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। और एक्चुअली जो हम यहाँ पीछे मंदिर पे गए थे, ये जो भूतनाथ का मंदिर है जो बहुत ही पुराना है, और यहाँ पे जो हर साल की परंपरा है वो ये है कि जब भी नवरात्रे होते हैं या देवी का जो पूजन करते हैं तो उसके अलावा हमें यहाँ पे आना पड़ता है पूजा करने के लिए, और हर साल ये परंपरा चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। और इसके बाद जो हम लोग जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं भैरवनाथ के मंदिर में। वो मंदिर हमारे गांव के नीचे से है, तो हम इसके बाद उस मंदिर में जाएंगे। और जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ पीछे छोटा सा नदी है, गदेरा बोलते हैं इसको, जो गढ़वाली भाषा में बोलेंगे तो हम गदेरे पे हैं अभी तो। और इसके अलावा जो आप मेरे पीछे का ये व्यू देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। और उसके अलावा अभी हम खेतों के बीच से जा रहे हैं, और जो यहाँ के ये खेत हैं ये बंजर भूमि टाइप की है, बट यहाँ पे 6 महीने में ही कोई फसल लगाते हैं, उससे ज़्यादा हम यहाँ पे कोई फसल यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा जो फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो अभी हम जाएंगे भैरव बाबा के पास, और चले गाइस तो मिलते हैं आपको सीधे भैरव बाबा के मंदिर पे। और हम पहुँचे हैं अभी अपने गांव की प्राथमिक विद्यालय में, और यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय का जो हाल है वो कुछ हद तक बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड है उसमें पूरी घास जम चुकी है लॉकडाउन के बाद से। और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो 12 बच्चे पढ़ते हैं इस प्राथमिक विद्यालय में, और मेरे साथ हैं हमारे गांव के कुछ छोटे बच्चे जो आ रहे हैं मेरे पीछे। और हम लोग अब जा रहे हैं भैरव बाबा के पास, और हम हैं अभी रास्ते में, और ये प्राथमिक विद्यालय का ये गेट है पूरा, और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय लगता है। और जो यहाँ के रास्तों के हाल है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि जो रास्तों पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, और यहाँ पे जो विद्यालय होता है उतना उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि किसी को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। जो गवर्नमेंट की जो कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट का कुछ होता है जैसे कोई स्टेशन हो गया या विद्यालय हो गया, तो उन पे कोई ज़्यादा ध्यान देता भी नहीं है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हमारे गाँव के कुछ छोटे बच्चे हैं जो मेरे साथ आए थे मंदिर में, और क्योंकि मंदिर में जो पूजा पाठ का जो सामान था वो ज़्यादा था तो मैं अकेला नहीं ले जा पाता, तो मैंने इनको बोला कि चलिए मेरे साथ चलो, तो ये लोग आ गए। तो ये लोग अभी पीछे आ रहे हैं, और हम भैरव बाबा के पास पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हो नीचे नदी है हमारे गांव की, और इस नदी की वीडियो मैंने पहले बनाई थी, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक इसमें एक का नाम गौरी है, दूसरी एक अंबिका है, और एक अनामिका है, ये तीनों आए हैं मेरे साथ भैरव बाबा के पास। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा के पास, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मेरा गांव है यहाँ पीछे से। और अभी जो है हाल रास्तों का वो ज़्यादा ठीक नहीं है, और बस हम चले ही जा रहे हैं। काफ़ी साल पहले हुआ क्या था, जो ये छोटा सा गदेरा देख रहे हो आप मेरे पीछे, इसमें बाढ़ आ गई थी, और जो यहाँ के रास्ते थे वो पूरे बह गए थे, और हमें ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है जहाँ पे बिल्कुल जाने की जगह भी नहीं है। और हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के पास, और अभी भैरव बाबा के पास हम पूजा करेंगे, उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे। तो मैं आप तो ये यहाँ पे हमारे भैरव बाबा का मंदिर है, और ये दोनों चले गए हैं पहले ही अंदर पूजा करने के लिए,
बट और यहाँ पे आप देख सकते हो भैरव बाबा का जो मंदिर है वो बिल्कुल खेत के पास में है और ये काफी नीचे है, तो यहाँ पे झुक के जाना पड़ेगा बिल्कुल सावधानी से, जैसे ये जा रही है ऐसे जाना पड़ेगा। और आप यहाँ से कुछ नज़ारे देख सकते हो कुछ सुंदर से। पूजा कंप्लीट कर लिया, हम जा रहे हैं घर। आज की वीडियो होती है यहीं पे खत्म और अभी के लिए लेता हूँ मैं अलविदा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर लोकेशन के साथ, एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय दोस्तों।